कर्म करने में सावधान है वे लोग सुखी होते हैं। जो कर्म करने में आंखें में टूर के करते हैं तो फिर फल भोगने में भी कुदरती कोप होता है। आप भी रात को पक्का करके घड़ी के सामने देखकर पक्का करो कि सुबह रोज 7 बजे उठते हो कि कल सुबह 6 बजे आँख खुलनी चाहिए, 5 बजे मुझे उठना है। कितने बजे उठना है? 5 बजे उठना है। बस आप 1-2 बार पक्का कर लो, देखो 5 बजे कैसे नींद खुलती। फिर भले करवट लेके सो जाओ, लात ठोक के अलग बात है, लेकिन है ऐसा संकल्प। मन के कहने में जो चलते हैं उनकी तो बहुत बुरी हालत होती है। सुख भोगने के लिए देव योनि है, लेकिन अपने को सब बंधनों से मुक्त करने के लिए मनुष्य जीवन है। गुरु भक्ति योग सलामती योग है। इस योग जैसा योग तो दूसरा हमने देखा सुना नहीं आज के लोगों के लिए। भगवान के नाम का, भगवान की कथा का, भगवत जनों के संग का सहयोग लेने से दुष्ट वासनाएं मिटती है, कुकर्म मिटते हैं, आदमी सद्गति के रास्ते चलता है। आत्मा के जो नित्य शुद्ध बोध रूप अद्वैत निर्विकल्प देह इंद्रियां प्राण आदि से रहित इत्यादि विशेषण वेद शास्त्र में कहे हैं, उनके अनुसार आत्मा को जानने का नाम ज्ञान है और यही यज्ञ है। ध्यान रूपी खंभे, तृष्णा रूपी बलि और मन रूपी दृश्य को जीतकर यह यज्ञ पूर्ण होता है। जब यह यज्ञ समाप्त होता है तब उसके पीछे दक्षिणा भी चाहिए जिससे यज्ञ सफल हो। सर्वस्व देना ही दक्षिणा है और अहंकार का त्याग करना ही सर्वस्व त्याग का मतलब क्या है? ये पंच भौतिक शरीर में नहीं हूं, चिंता करने वाला मन में नहीं हूं, विकार आने वाले अवस्था जी नहीं है, मैं निर्विकार परमात्मा का हूं। अपना जीव भाव, अपना शरीर, मन, बुद्धि ये सब का अहंता ममता छोड़ दे ते वह सर्वत्याग। सर्वत्याग से शांति मिलेगी। सर्वत्याग से त्यागात शांति निरंतरम। अभिमान की, अपमान की जो असर होती है वो देह को मैं मानने से। अगर इस प्रकार का यज्ञ करे, तृष्णा की बलि दे और फिर दक्षिणा दे, सर्वत्याग करे, तो फिर दुख के समय इतना दुख नहीं होगा, चिंता नहीं होगी, भय नहीं होगा, शोक नहीं होगा, पाप नहीं लगेगा, नरक नहीं होगा। ये सब अहंकार और वासना और ममता, अहंकार, वासना और ममता, ये सब मिटाने को महायज्ञ कहते हैं। ये यज्ञ किया तो सब हो गया। तो कैसे करें कि सावधान रहे। जब भी दुख हो तो समझे दुख किसको हुआ? शरीर को। सुनकर शरीर को दुख नहीं हुआ, आत्मा को हुआ। तो आत्मा तो एक रस है, दुख को भी जानता है, अपमान को भी जानता है। तो दुख किसको हुआ? बोले मेरे को हुआ। तो मैं कौन हूँ? दुख नहीं था तभी भी तो मैं था, अब दुख हो रहा है तभी भी मैं हूँ। तो दुख चला जाएगा तो मैं तो रहता हूँ। तो दुख आया गया तो किस में आया गया? बोले मन में आया गया। किसी के लिए द्वेष हो गया, राग हो गया तो बुद्धि में आया, रोग हो गया तो शरीर में आया, तो कोई शरीर में आता है रोग। भय चिंता मन में आती है, राग द्वेष बुद्धि में आता है। हम चाहते ऐसा होना चाहिए, हमारी वासना है और प्रारब्ध है, ईश्वर है, प्रकृति है, वातावरण है, उल्टा करता है। तो सब बातें तो अब भगवान राम के पिता की भी नहीं हुई थी, सब बातें तो श्री कृष्ण की भी पूरी नहीं हुई। श्री कृष्ण के बेटे कृष्ण से विपरीत थे। कृष्ण तो साधु संता का आदर करते थे और वे साधु संतों की मस्करी करते, तो कृष्ण तो दुखी नहीं हुए। आय रे हाय बेटे ऐसे हो गए, इसी का नाम दुनिया है। पत्नी ने शिव जी की बात, शिव जी की इच्छा थी नहीं जाए तो अच्छा है सती, और सती चले गए तो शिव जी दुखी नहीं हुए। तो हम शिव को मानते तो काय को दुखी हुए, श्री कृष्ण को मानते तो फिर काय को दुखी हुए, श्री राम जी को मानते तो काय को दुखी हुए। 14 वर्ष का वनवास हो गया, राम जी दुखी नहीं हुए। तो तृष्णा नहीं है ना राम जी में, कृष्ण में अहंता नहीं है, तृष्णा नहीं है। व्यवहार काल में राम जी ने हाय सीता, हे लक्ष्मण, हे राम, हे पिताश्री सब कहा किया होगा मर्यादा में, लेकिन चित्त में ऐसा गहरा प्रभाव नहीं पड़ता। अपने को तो थोड़ा कोई कहता है तो बस उथल पाथल अशांत हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। चित्त में समता तो आनी चाहिए। सुखम वा यदि वा दुखम सहयोगी परमो मता, सुखद अवस्था है चाहे दुखद अवस्था है, ये तो आती जाती रहेगी। दुखद आई तो छाती कूटने लगे, सुखद आई तो बाछे फिर गए उसके पीछे लग गए। तो ये तो हुआ भाई मकान है चौराहे पे, बाराती आए तो उनके साथ चल दिए। हर कोई गड़बड़ वाले पसार हो रहे हैं तो डंडा लेके सामने खड़े हो गए। अच्छे अच्छे लोग आओ, गड़बड़ वाला ट्रैफिक मत जाओ, लुच्चे लोग मत जाओ, हरामी लोग मत जाओ, सटोरी मत जाओ, सबके सामने डंडा लेके खड़े हो जाओ तो लोग तुमको ही डंडा मारेंगे। ये तो भाई सड़क है तो गुजरेगा, ऐसे ही शरीर है, संसार है, तो कभी मंदी चलेगा, कभी तेजी आएगा, कभी मान होगा, कभी अपमान होगा। उसमें चिंता करके मरने की क्या जरूरत है। चिंता ऐसी डाकिनी काटी कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे कहाँ तक दवा खिलाए। चिंतन करके रास्ता निकालना चाहिए, चिंता में पच मरने से क्या हो जाएगा। द्वेष रख के किसका भला हुआ है। काज हमार हित तासु होय, अपना तो काम बन जाए उसका जो सचाते मंगल और हित उसका हो। श्री रामचंद्र जी ने कहा नंगत को, सुनोता तो काज हमार हित तासु होय, रावण का तो हित हो, काम हमारा हो जाए। तो आपका काम क्या है, कि आपका काम है कि ऐसी चीज पालो कि कुछ पाना न रहे, ऐसी चीज को जान लो कि कुछ जानना न रहे। हाँ, जो कूड़ कपट करेंगे, दगाबाजी करेंगे, बेईमानी करेंगे, उनकी तो प्यास ही नहीं होगी उसमें, वो तो संसार में खपते रहेंगे। अब गुरु के पास कूड़ कपट और बेईमानी करे तो फिर तो समझो वो दूसरे जन्म में कोल्हू का बैल होने वाला है, बिल्कुल पक्की बात है। कोल्हू के बैल की तैयारी कर रहा है। गुरु के द्वार पे गड़बड़ करा, गुरु को पटाया, कोल्हू का बैल, पक्की बात। तो कर्म करने में सावधान है, वे लोग सुखी होते हैं। जो कर्म करने में आंखें मीट पूर के करते हैं तो फिर फल भोगने में भी कुदरती कोप होता है। एक साधु बेले के संत थे, उन्होंने किसी वक्ता को बोला, गोपालदास स्वामी, गोपालदास सेठ में से स्वामी गोपालदास हो गए। वो बोले, भैया तुम लोगों को कथा सुनाते हो, मुझ पापी की आप बीती लोगों को कहना। तो क्या हमने कैसे साधु हो गए, सन्यास कैसे ले लिया, कि हम जवानी में किसी भागीदार से मिलकर रुई का धंधा किए थे, तो कुछ गांठे खरीदी, स्टोरेज किया, तो उसका 1 लाख रुपया नफा हुआ। बम्बई की कॉटन की बाजार तेज हुई और हमने वो बेची, तो हमको वहाँ से संदेश आया कि तुम्हारा 1 लाख रुपया नफा निकलता है, भले ले जाओ। तो हम दोनों मित्र गए, ने सोचा कि बार बार तो बम्बई आते नहीं, तो हम 2-3 दिन घूम लेंगे। 2-3 दिन घूम लिया और 1 लाख रुपया उनसे ले लिया। फिर मेरे मन में बेईमानी आ गई, तो मैं सोचा कि इस मित्र को मार दें तो इसके पैसे भी मेरे को मिल जाएंगे, नहीं तो 50,000 तो ये ले जाएगा। तो मैं बाजार से जहर खरीद लिया और दूध में डाल के चीनी मिनी ज़्यादा, और मित्र को रात को पिला दिया। सुबह होते ही बिस्तर पे काम सफा, मैं चादर बादर में ओढ़ के उसको टैक्सी में ले गया। किसी को मैनेजर को कहा कि बहुत बीमार, बुखार चढ़ गया, दिमाग का बीमार हो गया मित्र। वे तो होटल से तो पैसे दे के छुट्टे हो गए, टैक्सी वाले को भी खुश कर दिया और समुद्र किनारे आकर मित्र को डाल दिया समुद्र में। हम अपने घर आए, आके मित्रों को कहा, बम्बई से अपने गांव पहुँचे। तो जो पार्टनर था उस पार्टनर के परिवार को बोला कि भाई उसको तो मलेरिया हो गया था, तो 2-4 दिन हम रहे, आकर वो चल बसा। और इस देहात में उसको हम कैसे लाते, तो हमने वहाँ उसका कर जैसे करके मैंने दुख का ढोंग किया। मैं फुट फुट के रोया। मेरे मित्र तो चले गए, लेकिन 6,000 उनका नफ़ा है, लेकिन 10,000 आप रखो, 12 में से 10 मैं आपको दे देता हूँ। 12,000 नफ़ा हुआ, मैं आपको 10 दे देता हूँ। उन्होंने बोला नहीं फिर 6 ही दे दो। नहीं नहीं मैं रखो आप। तो उनको मेरे लिए आस्था हो गई कि देखो बेचारा नफ़ा हुआ 2-4 महीने में इतना सारा, तो वो भी हमको ही देता है। तो मैंने मगर आंसू रो रो के मित्र के लिए स्यापा किया, तो मेरे को चुप कराने लगे। मैं अंदर अपना समझता था कि कैसे मरा वो मैं जानता हूँ, इनको उल्लू बनाया, लेकिन मैं खुद ही उल्लू बन रहा हूँ ये मुझे पता नहीं था। फिर क्या हुआ, जो मेरे को तो धंधा भी नहीं था, तो उस मित्र ने पैसे रोके, पैसे भी मिल गए उसको, तो रवाना कर दिया। संतान नहीं थी तो दूसरे साल बेटा भी हो गया। दिन दूने रात चौने बेटे बाप खुशी से कमाने खाने, अपने को मैं भाग्यशाली मानने लगा, बड़ा चालाक मानने लगा। ऐसे करते करते बच्चे की मंगनी हो गई। अब शादी के दिन गिने, इतने में बेटे को कोई पेट का दर्द चला, बीमारी चली 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 चली, तो डॉक्टर ने बोला कि चिंता नहीं करो, ठीक हो जाएगा। फिर हमारे गांव के हॉस्पिटल में काम नहीं चला, तो शहर के हॉस्पिटल में भर्ती हुए। साल भर खर्चा पानी की तरह करते रहे। बाद में किसी ने कहा बम्बई ले जाओ, बम्बई ले गए। उन्होंने कहा यहाँ ठीक नहीं होगा, इसके तो ये हो गया स्विट्ज़रलैंड ले जाओ। तो फिर मैं स्विट्ज़रलैंड ले गया अपने प्रिय पुत्र को। तो कई महीने वहाँ इलाज करने के बाद स्विट्ज़रलैंड के डॉक्टरों ने कहा कि अब ये केस ठीक होने वाला नहीं है, हॉस्पिटल में चार्ज भर भर के मरो, चाहे घर ले जाके मारो, He will be expired, ये तो मरेगा मरेगा। मैं अपना दुख और बेटे को उठा के लाया अपने गांव। उधर कुछ जो कुछ इलाज करना था करते रहे थोड़ा बहुत। आखिर में दुखी होकर उसके छाती पे सिर रख के रोया के पुत्र मैंने तो अपना सारी मिलकत लुटा दी, आखिर तेरे को क्या हो गया। अभी तो शादी के दिन थे और तू ऐसा हो गया। तो बंद आंखें पड़ा था, वो आंखें खोली और बहुत हंसा, फिर आंखें बंद कर दी। तो मेरे को तो बड़ी चिंता, आश्चर्य हुआ। वो स्वामी जी बताते कि बेटा तू क्यों हंसा, क्यों? बोले बस अभी 500 रुपये हैं आपसे लेने के, आप मेरी आंखों में देखो मैं कौन हूँ, जिसको तुमने जहर दिया था कोई नहीं जानता है। कुटुंबियों के आगे तो मगर आंसू रोए थे। मैं वही हूँ मित्र, आपसे पैसे वसूल की, अब मेरे को पर जहर से परेशानी हुई तो फिर आप भी लेके भटके तो आपको परेशानी भी मिली, और वो पैसे ब्याज सहित मैंने चुका लिए। 500 रुपये निकलते। अब मैं तो जा रहा हूँ, क्रियाक्रम में खर्च कर देना। आंखें मूंदी, मैं तो छोरे का क्रियाक्रम करके इधर हरिद्वार आ गया और यहाँ दीक्षा लेके साधु बन गया हूँ। आप साधु संत हो, सत्संग करते हो, तो मेरी ये बात घटित घटना है, लोगों को बताना कि कर्म करते समय तो नहीं देखते हैं कि क्या बिल होता है, कैसा लीला होती है, कैसा सेटिंग होता है, कैसा क्या होता है, लेकिन धोखे का फल कैसे कैसे भुगतना पड़ता है। ये कर्म की गति गहन है। भीष्म पितामह 73 जन्मों के बाद सरसया पर सो सकते हैं, बाणों की सया। श्री रामचंद्र जी ने बाली को बाण मारा था, वही बाली दूसरे जन्म में श्री कृष्ण अवतार में शिकारी के रूप में आकर श्री कृष्ण के पैर में तीर भोंकता है। ऐसे ही कैकेयी सौराष्ट्र देश में कलह नाम की थी, और दशरथ धर्मदत्त ब्राह्मण थे। ब्राह्मणी का स्वभाव बड़ा विचित्र था, जो ब्राह्मण बोलते थे उल्टा ही करती थी। बड़ा दुखी हो गया धर्मदत्त। आखिर अपने मित्र से बोला कि पत्नी ऐसी है कि जो मैं बोलता हूँ ना कि आज रोटी बनाना तो बस चावल ही बनाएगी, मैं बोलता हूँ आज दूध लेना है तो दूध नहीं लेगी, मैं बोलता हूँ दही जमा तो दही जमाती होगी तो उस समय बोले नहीं आज कोई दही जमाने का दिन थोड़े है। जो भी बोलता हूँ उल्टा करती है, मैं तो तंग आ गया हूँ। बोले जब उल्टा ही करती है तो उल्टा बोल, तो उल्टा हो जाएगा। जब दही जमाना है तो बोलना आज दही मत जमा, खीर बनानी तो बोल देना खीर मत बना। जब उल्टा ही करती तो निषेध युक्ति से काम ले लो, और क्या है। मेरे को लगा कि यार ये भी अच्छी कही, तो फिर मैं उसको निषेध युक्ति से काम लेता था। एक दिन पिता का श्राद्ध आने वाला था, मैंने कहा प्रिय कल श्राद्ध नहीं करना। बोले दैत तेरे की शर्म नहीं आती, पिता का श्राद्ध नहीं करेगा तो पितरों की नाराज़ी मिलेगी, अपना वंश नाश हो जाएगा, अथवा वंश में आरामखोर लोग आएंगे। कैसे हो तुम, कैसे पुत्र हो, पिता की संपत्ति तो हड़पते और पिता के लिए कर्तव्य नहीं। पिता की कमाई की सुविधा तो ले लिया, और पिता चले गए तो उसकी संपत्ति तो हड़प किया, लेकिन श्राद्ध नहीं कर रहे। कैसे पापी हो, मैं तो श्राद्ध करूंगी। मैंने बोला देखो श्राद्ध तो करे, लेकिन 3 ब्राह्मण मत बुलाना, एक ही बुलाना। बोले क्यों, भगवान ने सब कुछ दिया तो एक ब्राह्मण क्यों बुलाए, 3 ही बुलाऊंगा। 3 तो बुलाया, लेकिन हलवा मत बनाना और खीर भी मत बनाना, रूखी रोटी बनाना। बोले शर्म नहीं आती, रूखी रोटी खिलाई जाती पितरों को, श्राद्ध का सारी सामग्री बनाऊंगी। बोले सामग्री तो सारी बना, न बना नहीं बना तो अच्छा है। बोले मैं तो बनाऊंगी। अच्छा तो फिर ऐसा करो, ब्राह्मण को दक्षिणा मत देना। बोले बिना दक्षिणा के दान सफल नहीं होता, इतने अकल नहीं है। धर्मदत्त कहेगा था कि अच्छा, मैं तो अंदर खुश हुआ कि मित्र तुम्हारी जय हो। फिर पिता का श्राद्ध संपन्न हुआ, पिंडदान हुआ, भोजन करा ब्राह्मणों ने। मैं तो अंदर से खुश और बाहर से निषेध उक्ति से सारा अपना उल्लू सीधा करता गया। मैं खुशी खुशी में फिर भूल गया, तो उसको मैंने बोला, प्रिय ये जो पिंड है ना उसको जरा गंगा जी में डाल देना। तो उसने कहा गंगा जी में क्यों डालूं, नाली में डालूंगी। तो पिंड नाली में डाल दिया। मेरा करा करा चौपट हो गया, मैं तो सिर कूटता रह गया। फिर उसके दुख से तो मैं तो बड़ा परेशान हो गया, और मेरी परेशानी बढ़ती गई और वो और बढ़ाती गई। तो परेशानी देने वाले को कुदरती नियम के अनुसार वो फांसा खा के मर गई। ये फांसा खा के मर गई और हो गई भूतनी। तो भटकते भटकते एक प्रभात को भिक्षुक ब्राह्मण बारस के दिन जा रहे थे पूजा का सामान लेकर। मंदिर में तो डरावनी छाया, तो भिक्षुक ब्राह्मण ने हाथ में पानी लिया, भगवान के नाम का जप करके छाटा उस छाया को। तो छाया कुछ बोल पाई, उसका कुछ पाप कटा। ये भिक्षुक ब्राह्मण तुम्हारे एकादशी के व्रत पुण्य प्रताप से मेरे पाप कटे, मैं कुछ बोल पाती हूँ, बड़ी दुखी हूँ। आप अपने एकादशी के व्रत का फल मुझे दें तो मेरे किए हुए पाप कटे। जिस बर्तन में भोजन बनता है उसी बर्तन में जो स्त्री खाती वो सूरी बनती है, मेरे को पता नहीं था, मैं उसी में खाती थी। और जो पति को सताती है उसकी आत्मा दुखी होती और सताई जाती। तो मैं तो सूरी की योनि और नीच योनि और लुमड़ी की योनि और भोग भोग के अब प्रेत की योनि में भटक रही हूँ, और तुम्हारे इस जल के स्पर्श से, भगवान नाम सहित जो जल स्पर्श किया, इससे मैं कुछ बोल पाती हूँ, नहीं तो बोल भी नहीं सकती। पहले हम लोग डराते, या कोई कहीं होता किसी को बुलाए चल तो फिर हम उसमें चले जाते हैं, अथवा तो जो अशुद्ध होते हैं और कमज़ोर मन के होते हैं उनमें हम घुस जाते हैं, अथवा जिनको वहम होता है हमारे में भूत है फिर उसमें हम घुस जाते हैं। लेकिन तुम में घुसने के लिए तुम्हें डराया छाया दिखाई नहीं घुसे हम। तुम्हारे जल से मैं पवित्र हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ कि अपना एकादशी का पुण्य कुछ अर्पण करो तो मेरी सद्गति हो। भिक्षुक ब्राह्मण प्रसन्न हुए। मैंने आज तक जो एकादशियाँ की हैं उन सारे एकादशियों के पुण्य के आधे पुण्य की मेरी पुण्य भागिनी ये प्रेत छाया को प्राप्त हो। छाटा तो इतने में भगवान के पार्षद आए, साधो साधो भिक्षुक ब्राह्मण तुमने बड़ा परोपकार किया, तुमने अपना आधा पुण्य देकर इसको इस नीच योनि से छुड़ाया है, अब ये वैकुंठ में वास करेगी। तुम भी अपना प्रारब्ध शेष कर पूरा करके आओगे, यहीं रहोगे, और समय पाकर तुम अयोध्या के राजा दशरथ बनोगे। और ये तुम्हारी अर्ध पुण्य भागिनी कलहा कैकेयी के रूप में तुम्हें प्राप्त होगी। तो कैकेयी का कलह करने का स्वभाव था, तो वहाँ भी कलह किया और राम को भेज दिया वहाँ जयराम जी के। तो ये जीव शरीर तो चढ़ा चला जाता है लेकिन स्वभाव साथ में चलता है। ऐसा तो हमने कईयों को देखा, अगले जन्म का स्वभाव उनमें दिख जाता है। खान पान का, बोलने का, कुछ लक्षण, जैसे कोई भजन करते करते अगले जन्म की यात्रा में कोई गलती की और कोई छोटी योनि में आया, छोटी योनि में पशु योनि में आया। मंगल का उपवास करने वाला किसी पाप से कुत्ता बन गया, तो मंगलवार को नहीं खाता। मैंने खिला के देखा, भाई ले, मेरे को तो पता नहीं था कि ये कुत्ता मंगलवार को नहीं खाता। तो झानी में हम गरीबों में बांट रहे थे खाने पीने की चीज़ें, मिठाई विठाई कोई जो दे जाते, बिस्कुट मिठाई पिठाई। तो 3 कुत्ते थे, 2 तो खा लेते थे, उनको जरा टुकड़ा फेंकते, और तीसरा बड़ा प्यार से देखता था। और मैं उससे पुचकारता तो पूँछ भी लाता, लेकिन मैं देता तो नहीं खाता, बस पूँछ हिला के मानो धन्यवाद कह देता। तो मैं भाई खाता नहीं, क्या बात है, नाराज हो क्या? तो वो खेत के मजदूरों से पूछा जिनका कुत्ता था, मैं क्या आज ये खाता नहीं? कोई भी चीज़, कोई भी मिठाई किस्म किस्म के लोग ले आते ना प्रसाद, उसमें से दिया, ये नहीं खाते, क्या बात है हजूर, क्यों नाराज हो प्रभु? तो पूछे लावे भाई, नाराज भी नहीं है फिर खाता क्यों नहीं? तो बोले बाबा आज कौन सो दिन है, मंगलवार तो नहीं है? मैं कहा मंगलवार है। बोले मंगल को नहीं खाता है बेटा, चाहे कुछ भी दे दो। तो अब कैसा स्मृति, उसको तो कैलेंडर देखने का सवाल ही नहीं होता, मंगल है ये कैसी स्मृति आ जाती। ये चैतन्य में ताकत है। आप भी रात को पक्का करके घड़ी के सामने देख कर पक्का करो कि सुबह रोज 7 बजे उठते हो कि कल सुबह 6 बजे आँख खुलनी चाहिए, 5 बजे मुझे उठना है। कितने बजे उठना है? 5 बजे उठना है। बस आप 1-2 बार पक्का कर लो, देखो 5 बजे कैसे नींद खुलती। फिर भले करवट लेके सो जाओ, लात ठोक के, वो अलग बात है, लेकिन है ऐसा संकल्प। ऐसे ही रहीदास से अगले जन्म में साधक थे, कोई गलती हो गई, रघु चमार के यहाँ जन्म हुआ। बोले चमार के हाथ का भोजन कराए तो जा, तू चमार के घर जन्म लेगा। श्राप का प्रभाव तो पड़ा, लेकिन अगले जन्म की साधना बचपन में ही निखरी। और तुलसीदास जी 10 वर्ष के रहीदास के दर्शन करने गए, रघु चमार के पुत्र के रहीदास। और फिर मीरा ने उनसे दीक्षा ली, मेवाड़ को झुमाया। तो अगले जन्म की साधना के संस्कार थे, तो साधना वाले हैं। एक ही पिता के 3 पुत्र हैं, एक तो बड़ा उत्पाती है और दूसरा शांत है। तो पिता माता तो वही है, लेकिन वो उत्पाती आत्मा है तो उत्पात करता, वो शांत है अगले जन्म का, तभी शांति दिखती। हम पिता के 3 पुत्र, एक बड़ा तो मर गया बचपन में ही, जो बड़ा था सबसे। उसके बाद वाला रहा, वो उसका तो अपना, उसका तो पश्चिम यात्रा थी, विपरीत थोड़ा स्वभाव था, पिताजी के कहने में नहीं था, तो पिता की अवज्ञा करता था। तो उसके बेटे भी हरामी निकले, अवज्ञा करते थे, और हम पिता की आज्ञा मानते थे और पिताजी से निभाया। आप एक कुटुंब तो एक ही, बड़ा नहीं, बड़ा अवज्ञा करता है तो छोटा भी देख के ऐसा करे नहीं, तो होगा कोई संस्कार, होगा लेना देना। ऐसे भीष्म पितामह, तो उसके पिता को रानियां होते हुए भी एक साधारण लड़की को देख के मन उस पे जाता था। तो देवव्रत ने जाकर पिता की इस कामना को पूर्ण करने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य और एक अपनी उम्र से भी छोटी पिताजी के लिए कन्या ला के शादी करा दी। फिर भी पिताजी के लिए कभी मन में ऐसा नहीं आया देवव्रत को कि पिता की अहित की भावना सोचे। ऐसे ही रावण का बेटा पिताश्री, अब पिताश्री गड़बड़ करके आए, ये पता है, सीता जी को ले आए पिताश्री, कौन सा खानदानी का काम किया है, फिर भी पिता पिता है बोलो। तो एक दैत्य बालक भी पिताश्री का कितना आदर करता है, और पिताश्री ने कितना खतरनाक काम किया, फिर भी दैत्य बालक अपने पिता के लिए कितना वफादार। इंद्रजीत श्रवण कुमार माता पिता को कंधे पे लेकर यात्रा कराते हैं, और आजकल के छोरों को तो गाड़ियां दो, सुविधाएं दो, फिर भी कब भड़के, कब झड़के, कब सुसाइड करे, कब नौकरी छोड़ दे, कब पत्नी लेके चल देवे, कोई पता नहीं। तो सब अपना अपना स्वभाव से ही तो चल रहा है काम, नहीं तो शास्त्र की तो मर्यादा कुछ और है। तो जो शास्त्र का अनुसंधान करके जीते हैं उनका मन तो संयत होता है, हर वे सफल जीवन गुजारते। और जो सोचे बिचारे बिना बस तितली की नाई, कभी इधर सुख कभी उधर सुख उधर सुख, वो उनकी शक्ति समय बर्बाद होता है और इज्जत भी डाउन हो जाती है। मन के कहने में जो चलते हैं उनकी तो बहुत बुरी हालत होती है, खड़िया बन जाते हैं। घर के न घाट के न धर्म के न भगवान के न गुरु के किसी के न, मन उन पर हावी हो जाता है। और भगवान कहते हैं मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष हो, मन ही आपके बंधन और मुक्ति का कारण है। तो कर्म करने में सावधान नहीं रहे और जहर खिला दिया तो फल भोगने में तो देखो फिर। तो मैंने तो कर्म ऐसे किए तो मेरी यह हालत हुई। भाइयों, महाराज जी आप कथा में सबको मेरी ये कथा बताना। उस साधु ने ये कथा अपने आश्रम में जो दूसरा साधु हुआ उसकी बताई है घटित घटना। ऐसे एक ऊँट था, उसके गले में सूत की माला डालते और फिर वो माला पड़ते घुमाता और राम राम, सारे ऊँट तो नहीं बोलते, वो बोलता है। तो राम नाम जपता होगा, फिर ऊँट का चिंतन होगा और कोई गलती हो गई होगी तो ऊँट के चिंतन चिंतन में ये आखिरी होने आ गया ऐसे कर। ऐसे ही बनास से रणुधा 810 किलोमीटर यात्री पैदल जा रहे, साथ में कुत्ता हो गया। यात्री तो पानी पिए, भोजन करे, आराम करे, कुत्ता पूँछ हिलाए, पानी जरा पी ले, अन्न नहीं खाए, कृष्ण हो गया। वो पैदल यात्रा करते करते पहुँचे तो ये थका माना। तो यात्रियों ने जाकर मैनेजर को कहा, रणुजा वाले भाई देखो, हम तो कल दर्शन कर लेंगे लेकिन हमारा एक भक्त राज है, अगर दर्शन नहीं करेगा तो हो सकता है बेचारा मर जाए। उसने टेक लिया है, खाता नहीं, भगवान के दर्शन करेगा शायद फिर खा लेगा। बोले कहाँ है भक्त राज, कौन है दिखाओ। बोले ये है चार पैर वाला भक्त राज। बोले कैसा, तो सारी बात बता दी। तो खुद मैनेजर ने पुजारी को बुला के रणुजा के राजा का द्वार खुलवा दिया। तो कुत्ता ने दर्शन करते हुए आदर व्यक्त किया, अब फिर दिया तो पूंछ हिलाता हुआ खाया। तो कैसी कैसी सृष्टि है, जैसी दृष्टि ऐसी सृष्टि। मन की आदत की बलि नहीं देंगे तो भगवत शांति नहीं मिलेगी। दुष्ट आदत का त्याग करना पड़ता है। कईयों को झगड़ा कराने की आदत होती है, कईयों को कुछ आदत होती है, कईयों को पैसे मारने की आदत होती है। खाएगा तो वही जितना पचेगा। अब प्रारब्ध में होगा तो कैसे भी आ जाएगा पैसा। हाथ मारा, ये चालाकी क्या, वो किया, वो तो शांति तो देगा नहीं। अपना साखी आप है निज मन माही विचार। आपके दोष या आपके पाप, आपके परिवार वाले, आपके गुरु भाई, आपके साथी, आपका संगी आत्मा नहीं जानता जितना आप जानते, आपका अंतरात्मा जानता। इसीलिए भविष्य को गंदा न बनाए, अपना खंबा खोड़ दे यज्ञ का और वासना की बलि दे, अहंकार की अलविदा करे और भगवान में प्रीति करे। भगवान के नाम का, भगवान की कथा का, भगवत जनों के संग का सहयोग लेने से दुष्ट वासनाएं मिटती है, कुकर्म मिटते हैं और आदमी सद्गति के रास्ते चलता है। सद्गति के रास्ते चलने से भविष्य उज्जवल है, वर्तमान भी सुखद है। और दुर्गति के रास्ते चलने में वर्तमान में मिलेगा कितना हो गया अपना, इतना हो गया, मज़े से खाएंगे, ऐसी बीमारी पकड़ लेगी ना तो ये मज़ा सजा हो जाएगा साहब। ऐसी बुद्धि नष्ट हो जाएगी कि कैसा कुछ करोगे कि सब यहीं धरा रह जाएगा, आप प्रेत होकर भटकोगे फिर उन चीज़ों के पीछे। इसीलिए कर्म करने में सावधान रहना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिसका मन निर्मल है वो मुझे पाता है। स्वल्प पुण्य बताम राजन विश्वासो नहीं वजाए थे, जिसके पुण्य नहीं है उसको तो सत्संग सतशास्त्र वचनों पर विश्वास ही नहीं होगा तो फिर वो तो बैल बनेगा, घोड़ा बनेगा, चाहे वो खाएगा, भैंस बनेगा, क्या भी बनेगा। 84-84 लाख योनियां हैं दंड भोगने के लिए। एक मनुष्य योनि है जो भगवत सुख पाने के लिए, बाकी तो सब दंड भोगने के लिए है। भगवत सुख भोगने के लिए तो मनुष्य जीवन है, बस एक ही तो है। अब उस एक को भी गंवा दिया, मनमुख होके इधर आए उधर आए उधर आए, जरा सा कुछ हुआ भाग गए, चल दिए इधर उधर, तो क्या हो जाएगा। इतने दिन भागने से क्या मिल गया, इतने दिन मनमाना करने से क्या मिल गया, अभी मनमाना कर लोगे तो क्या हो जाएगा। तो जरा सोचना चाहिए, जरा बुद्धिपूर्वक विचार करना चाहिए। प्रीतिपूर्वक भगवान को भजे तो बुद्धि योग मिलता है। प्रीति है नहीं ना, भजते नहीं है तो फिर बुद्धि योग नहीं। बुद्धि भी स्वच्छ हो तो आदमी स्वच्छ व्यवहार करेगा। भोगी बुद्धि का तो स्वच्छ व्यवहार भी नहीं होता। भोगी बुद्धि तो अपना सहन शक्ति भी नहीं उसमें। जितनी योगी बुद्धि होगी उतनी समता होगी, उतना धैर्य होगा। तो योगी बुद्धि बनाने का एक तरीका है सुंदर। भगवान नाम ऐसे उच्चारण करें कि भगवत प्रीति और भगवत शांति, शांति मिलेगी तो सुख मिलेगा ना। शांति मिलेगी तो सामर्थ्य भी आएगा, शांति मिलेगी तो प्रीति भी होगी। सुख और शांति तो सब चाहते। तो इस ढंग से उच्चारण करें, 10 प्राणायाम करें और श्वास ले तो जितना ले सके ले और रोक दे। फिर जितनी अधिक देर रोक सकता है रोके, फिर धीरे धीरे छोड़े। ऐसे 10 प्राणायाम चालू कर दे शुद्ध हवामान में सुबह। और फिर तक भगवान के तरफ, गुरु के तरफ देख नामो भगवते इसका अर्थ तो कल बताया था। इस प्रकार जप करे, मन की चंचलता मिटे, वासनाएं कम होगी। कबीर जी ने कहा, मन की मनसा मिट गई, भरम गया सब दूर, गगन मंडल में घर किया, काल रहा सिरकूट। मन की वासना मिट जाएगी, नीचे के केंद्रों से ऊपर आ जाएगा मन, अंदर में ही सुख मिलने लगेगा। तो फिर काम बेकार, ये कितना पाप चढ़ता है। काम वेरी ज्ञान का, बलवान के बल को हरे, नरमूढ़ ऐसा जानकर फिर भी क्यों काम की सोबत करे। तो काम तो भल भलों की तबाही कर देता है। प्रभाव क्षीण करने के लिए काम विकार जैसा दूसरा और कोई कुसाधन नहीं है। और प्रभाव बढ़ाने के लिए गुरु कृपा जैसा और कोई सुसाधन नहीं। आज्ञा सम नहीं साहेब सेवा। और मन तो वैसे ही भटकाता है, अभी भी भटकोगे तो फिर कहाँ जाके गिरोगे। तो ये यज्ञ करो और अपने सर्व त्याग करो। सर्व रहता है अहम में, अहम की बलि दे दो, उसमें काम क्रोध मनमुखता ये सब आ जाएगा। पढ़ते तो हैं, सुनते भी हैं, लेकिन भाई काम बेरी ज्ञान का, बलवान के बल को हरे, नरधीर ऐसा जान कर क्यों भोग की इच्छा करे। हाँ, भोग भोगने के बाद, काम विकार के बाद क्या होता है? वैराग आता है, ग्लानि होती है, अपना ही अनुभव है, उसका आदर करो। रामकृष्ण तो बोस का जब्बा पहना, अनुभव में हो गया क्या मिला? अंगूठी पहनी, हुक्का पहना, देख ले क्या मिला, क्या स्वप्न में याद आता है, उठा के फेंक दिया, सदा के लिए जान छूटी। चाहे 100 जू ताखाएं, तमाशा घुस के देखेंगे। कितनी मुसीबत सहनी पड़ती है काम विकार के फल में, बदले में के? बेटे बेटी, नौकरी चाकरी, सारे रगड़े गए, सारी जिंदगी। 100 जूता खाए फिर भी वही का वही। तौबा है तौबा। वैसे थोड़ा मान अपमान होता है तो आदमी भड़क जाता है, और अनजाने लोग डंडे मारते, जूते मारते, तभी भी असर नहीं होती। सा भगवान बुद्धि देनिया। नारायण हरि नारायण हरि। जब हितेशी की बात चुभने लगे तो समझ लेना कि आप भविष्य आपका अंधकार में है। आपका सर्वांगी विकास कर सके, सर्व मंगल सोचने वाले की बात आपको चुभती है तो आप समझ लेना कि भविष्य में खतरा है, दुख हमारे सिर पर नाच रहा है। हितेशी के साथ दगाखोरी, जिसको गुरु माना, जिसके घर का टुकड़ा खाए, उनके साथ दगाखोरी तो समझो भविष्य में कोई बड़ी आपदा आने वाली है। नारायण नारायण। लोग पसीना बहा के कमाते, वो भी अपने साथ नहीं ले जाते, तो फिर इधर उधर का हेरा फेरी का कब तक साथ में चलेगा, क्या सुख दे देगा? इसलिए अपना भला करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है, दंड भोगने के लिए 84 लाख योनियां है, सुख भोगने के लिए देव योनि है, लेकिन अपने को सब बंधनों से मुक्त करने के लिए मनुष्य जीवन है। तो इस प्रकार जप करें, प्राणायाम करें, ईश्वर की ओर मन को सीख। गुरु भक्ति योग सलामती योग है। इस योग जैसा योग तो दूसरा हमने देखा सुना नहीं आज के लोगों के लिए। इसके अनुभव संपन्न डॉक्टर शिवानंद सरस्वती महाराज, स्वामी डॉक्टर शिवानंद सरस्वती, इसके लेखक गुरु भक्ति योग। इस योग से तो कईयों की नैया डूबते डूबते तैरने लगी। इस योग से तो कई गद्दार भी सुधर गए, कई बेवफा भी सुधर गए। ये ऐसा योग है, लेकिन दुर्भाग्य होगा तो ये योग अच्छा ही नहीं लगेगा। समझो दुख देखना है तो योग अच्छा नहीं लगेगा, गुरु भक्ति योग का ग्रंथ नहीं पड़ेगा। वहाँ जो ज़्यादा अहंकारी होगा, ज़्यादा मनमोहक होगा, अपनी वासना के वेग में अति होगा, वो गुरु की बात नहीं मानेगा। हितेशी की बात नहीं मानना है मतलब समझो कि वासना का वेग है। वासना कहाँ जाके गिराती? ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते। वासुदेवा। ओम हरि अथा संसार प्रवाह में कलहा, धर्मदत्त, भिक्षुक, ब्राह्मण, ये भी स्वप्न हो गया। फिर सैकड़ों वर्षों के बाद कैकेयी बनी, दशरथ बने, वो भी स्वप्न हो गया। लाखों वर्ष बीत गए। तो तुम्हारा हमारा शरीर और तुम्हारी हमारी मिलकतें क्या स्वप्न नहीं होगी क्या? कितना अथाह आकाश में कितने लोगों का क्या क्या है। फिर तो आप जैसा बनना चाहते हैं उस ग्रंथ का पाठ करिए और आकाश में देखिए, उस विभु व्यापक परमेश्वर को सुनाइए कि ये ज्ञान मेरे हृदय में प्रकट हो, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूँ। जैसे बच्चे होते हैं ना, बेटा इस स्कूल में क्या पढ़ के आया, नारायण था ना छोटा, मैं कहा बेटा क्या पढ़ के आया, 2 5 10 दिन ही हुए थे बेचारे को, बोले कि हम तो भजन से क्या आए, क्या धिंगली ताला, वाह वाह, तो खुश हो गया। बालक थे ना, बालक को तो उत्साहित किया जाता है, इतना जानता है कि अभी और भी है, धिंगली तारा मैं क्या वाह वाह, धिंगली तारा मंडवा रूपया, अच्छा अन्या आए मुझे बुधाए बुधाए, धिंगली तारा मंडवा रूपया, ढोल वागे छे धम धम, ढोल वागे छे धम धम, अच्छा भाभी नाक में एने नाथली पहली, अच्छा ये गाई ऐसा भी है कि हाँ ये आए साई अन्या आए, मैं भी मजा लिया, खूब मजा लिया, बबलू का मजा लिया खूब, नाक मायले नातली बेली। आप लोगों के बबलू से भी आप करते होंगे, लेकिन अब वो बबलू देखो दाढ़ी वाले हो गए, मूछ वाले, तो सपना हो गया ना, तो शरीर एक जैसा नहीं रहता, मन एक जैसा नहीं रहता, लेकिन इसको जानने वाला तो वही है। कि बस उस परमात्मा को जानने की तीव्र इच्छा हो जाए, ये पुण्य का फल। स्वल्प पुण्य वाले को नहीं होगी तो क्या करें, तो बार बार सुने, बार बार जब ध्यान करे, सत्कर्म करे तो पुण्य बढ़ेगा, और मनमुख कर्म करेंगे तो पुण्य क्षीण होगा, सीधी बात है। शास्त्र सम्मत धर्म तिबीरति, धर्म का अनुष्ठान करेंगे, धर्म मर्यादा से चलेंगे तो विवेक वैराग उठेगा, जगेगा, और वासना के वेग से कर, तो तुम्हारे वासना अनुशासित कर्म है कि धर्म अनुशासित कर्म है। अगर वासना के वेग में कर्म करते हो तो आपके लिए दुख है, मुसीबत है, आप पराधीन होंगे, बिल्कुल पक्की बात। एक के पराधीन नहीं, कईयों के पराधीन हो जाएंगे, अज्ञानियों के। अगर धर्म के अनुकूल है तो एक की पराधीनता स्वीकारोगे, भगवान की, धर्म की है शास्त्र। तो 2 प्रकार के लोग हैं, माधव तीर्थ ने रखा है बलाद में उनका आश्रम, तो बोले एक वे लोग हैं जो एक की शरण होकर सुखी होना चाहते, और दूसरे वे भोगी होते हैं जो अनेक की शरण होकर सुखी होना चाहते। हे शराब तू सुख दे, हे मांस तू सुख दे, हे वाहवाही तू सुख दे, हे चमचे तुम सुख दो, न जाने क्या क्या करेगा सुख के लिए। और आस्तिक ईमानदार भक्त एक परमात्मा से सुख चाहे, धर्म से। तो एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक की शरण जाने वाला, जो एक की शरण ईमानदारी से जाता है, धर्म की शरण, तो जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। गाते तो हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, लेकिन वो थोड़ी समझ में आ जाए तो कितना भला हो जाए। ये बात समझ में नहीं आती, बोल देते बस टेप रिकॉर्डर के लिए, वैसे ही अखंड मंडलाकार हम बोल देते। तो सावधान हो जाए तो कल्याण हो जाए। तो ये सुनते हो तो ये भी कोई साधारण काम नहीं हो रहा है, बड़ा पुण्य हो रहा है। ये संस्कार कभी न कभी काम करेंगे, कभी न कभी पतन से बचाएंगे, कभी न कभी मार्गदर्शन देंगे। सुना हुआ ज्ञान, सुना हुआ सत्संग बड़ा रक्षा करता है। सत्संग का त्याग बड़े पापों का फल है, और सत्संग में रुचि है तो समझो भगवान की कृपा है, पुण्य है। इतने गए बीते नहीं, इतना अभी हलकट नहीं हुए कि सत्संग अच्छा नहीं लगे अथवा सत्संग होता है तो भाग जाओ। अगर भागने को होता है तो समझो फिर तो खुदा हाफिज है। अच्छा जी, नारायण 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 नारायण। हे भगवान, सबको सद्बुद्धि दो, शक्ति दो, आरोग्यता दो, अपना अपना कर्तव्य पाले, सुखी रहे। ओम शांति।